धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, जहां पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। अधिकारियों ने रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और अधिकारियों ने रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन, पेन, पेपर, सूचना यंत्र, संदिग्ध वस्तु, असला ले जाने की मनाही रहेगी और विश्वविद्यालय का थर्ड गेट वाहनों के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पुलिस कप्तान सुरेंद्र भूरिया के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थल के अलावा नाको गश्त और पेट्रोलिंग पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जवानों को लगाया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है, तो दो लोकेशन पे जो काउंटिंग संपन्न होगी उसके लिए जो भी अरेंजमेंट है एज पर नॉर्म्स अरेंजमेंट कर लिए गए हैं और केवल गेट नंबर 2 से सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं या स्टाफ है, केवल गेट नंबर 2 ही खुला होगा। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 कल काउंटिंग के समय तक के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा 100 मीटर के पेरिफेरी दोनों लोकेशंस पे 100 मीटर के पेरिफेरी पे नाके होंगे। जो ऑथोराइज है, जिसके पास पास है, केवल उसी की एंट्री काउंटिंग सेंटर तक उसको अलाउ किया जाएगा। आम जनता के लिए मेरी अपील है कि जो काउंटिंग के समय इधर अपनी मूवमेंट जो एज पर जो हमारा प्लान है, रूट प्लान है, उसके मुताबिक यहाँ जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती अवॉइड करें और उनकी सहायता के लिए जगह जगह नाकाबंदी की गई है। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आने वाले ट्रैफिक के अतिरिक्त अन्य ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान तैयार कर लिया है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।